हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.7 जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर बेस्ड है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं चाहिए, बस उसका मीनिंग समझना है एंड डिफरेंशिएशन के जो रूल अब तक हमने पढ़े हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेंगे, उनमें कोई वेरिएशन नहीं करना है। अब तक हमने जो पढ़ा है डिफरेंशिएशन, उसमें पढ़ा है कि हमारा एक फंक्शन होता है एफएक्स, जिसे हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाता है dy by dx, dfx by dx। जो dy by dx है इसको हम लोग y डैश भी कहते हैं, तो इस तरह हमारा y डैश इज इक्वल टू f डैश x हो जाता है। This is called first order derivative. This is first order derivative. अगर हम लोग इसका differentiation again करें तो क्या होगा? Again differentiating विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा? डी वाई डैश बाई डी एक्स, जो हमारा हो जाएगा डी डी वाई बाई डी एक्स। या यू कहें डी एफ डैश एक्स बाई डी एक्स। तो इसके बाद जो हमको वैल्यू मिलता है वो कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें हमारा जो है क्या आ जाएगा? जो डिफरेंशिएशन रूल्स हैं वो रिमेन सेम। हमें इसकी जगह पर क्या करना है? वाई डैश का डिफरेंशिएशन हुआ तो इसे वाई डबल डैश लिखेंगे, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल हो गया। इस फॉर्म को अगर हम लोग देखें तो इसको लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका भी मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और इसको हम लोग क्या देख सकते हैं? एफ डबल एक्स एफ डबल डैश एक्स, तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसमें हमारा क्या करना है? पहले डिफरेंशिएशन एक बार करना है, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिला, जो डेरिवेटिव मिला, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, और ज़्यादा कुछ भी हमें नहीं करना है। तो हम लोग इसी के ही बेसिस पर अभी एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करेंगे, तो वो देखते हैं। हमारे 5.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, जिसमें हमें क्या करना है? फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो लगभग इस एक्सरसाइज में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का ही काम करना है। बनाने का तरीका जो हमारा पहले डिफ्रेंसिएशन का था एग्जैक्टली सेम रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं करना है। सॉल्यूशन लिखना है, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो कर लिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो हमारा क्या आ गया? dy by dx। अब इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx स्क्वायर by dx 3 इंटू dx by dx प्लस डी इंटू टू बाई डी एक्स, तो हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x प्लस 3, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया 1, ये हो गया 0। और इस पार्ट को अभी हम क्या लिखे थे? y डैश, ठीक है, y डैश भी लिख सकते हैं।
और dy by dx भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से हम अगर डिफ्रेंसिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे क्या, डी वाई डैश बाई डी एक्स, वाई डैश इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये हो गया, 2x का डिफ्रेंसिएशन तो डी 2x बाई डी एक्स, यहां मेरा 3 डी 3 बाई डी एक्स, तो y डैश को हम लोग लिख सकते हैं y डबल डैश, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू 1 और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो y डबल डैश मेरा कितना आया 2, और हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दोनों ही हमारा सही तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्स टू द पावर 20 है, तो लेट कर लिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, तो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ गया dy बाय dx, d x टू द पावर 20 बाय dx, हमारा रूल्स जो अब तक हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वही फॉलो करना है। क्या पढ़ा था रूल, सिंस डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या होता था, एन आगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को लिख दिया वाई डैश, ये हो गया 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। अब अगेन डिफ्रेंसिएटिंग, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिला, डी वाई डैश बाई डी एक्स, 20 आगे कॉन्स्टेंट है तो आगे हो जाता है डी एक्स टू द पावर 19 बाई डी एक्स, तो y डैश का डिफ्रेंसिएशन y डबल डैश 20 इंटू 19 आगे इंटू एक्स टू द पावर 18, तो इस तरह आ गया वाई डबल डैश इज इक्वल टू 380 एक्स टू द पावर 18, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 एक्स टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो है, लेट कर लिए y इज इक्वल टू x इंटू कॉस x, ये u इंटू v पर है, तो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इंटू कॉस x बाई डी एक्स। जानते हैं सिंस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v बाई डी एक्स क्या होता है, v आगे डी यू बाई डी एक्स प्लस u आगे डी वी बाई डी एक्स, तो इसको लिख दिए y डैश cos x आगे dx बाई डी एक्स प्लस
एक्स आगे डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो इस तरह हमारा आ गया वाई डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, वन वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ कॉस एक्स बचा, प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करना है अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमको क्या मिला डी वाई डैश बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन हुआ कॉस एक्स डी कॉस एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब ये पार्ट तो ये माइनस आ गया माइनस डी एक्स साइन एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया वाई डबल डैश कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अभी यहाँ पर हमारा क्या होगा यू इंटू वी लग जाएगा, तो यू इंटू वी में हमारा क्या था साइन एक्स आगे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स आगे डी साइन एक्स बाई डी एक्स, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन यहाँ आ गया डी एक्स बाई डी एक्स वन था वन से मल्टीप्लाई हो गया माइनस यहाँ आ गया एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यहाँ ब्रैकेट हमारा हट जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, तो इस तरह आ गया वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स आंसर, या डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर लॉग एक्स है, सॉल्यूशन लेट कर लिए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, तो ये हो गया वाई डैश और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स। अब इस पर अगेन डिफ्रेंसिएटिंग करना है अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिला डी वाई डैश बाई डी एक्स डी वन बाई एक्स बाई डी एक्स, तो इस तरह आ गया वाई डबल डैश इज इक्वल टू वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आंसर। तो अगर लॉग एक्स का हम डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्यूशन लेट कर लिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स, तो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स बाई डी एक्स। सो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा वो लगेगा, यहाँ आ गया y
डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स आगे, वी आगे, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यू आगे, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो इसमें हमारा कोई भी ऐसा डिफ्रेंसिएशन टर्म नहीं है जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो y डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाई एक्स, तो यहां पर बच गया दो पावर। तो हमारा y डैश आ गया थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश आ गया हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद थ्री लॉग एक्स प्लस वन। अब यहां पर अगेन डिफ्रेंसिएटिंग होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमारा क्या बना, डी वाई डैश बाई डी एक्स, अब ये आ गया डी एक्स स्क्वायर थ्री लॉग एक्स प्लस वन बाई डी एक्स। तो वाई डैश हमारा हो गया वाई डबल डैश, अब ये u इंटू वी पर हमारा लग गया, तो v पार्ट ये हो गया, v हमारा आगे थ्री log x प्लस वन आगे हो गया, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आगे हो गया, तो d इंटू थ्री log x प्लस वन बाई डी एक्स। तो y डबल डैश थ्री log x प्लस वन, अब x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, x स्क्वायर अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो हमारा क्या आ रहा है 3 by x, log x का 1 by x और इसका हो गया 0। तो हमारा आ गया y डबल डैश इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किए तो आ गया 6x एक्स लॉग एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, हमारा आ गया 6x एक्स लॉग एक्स प्लस फाइव एक्स। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें लेट कर लिया y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन 5x, तो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा आ गया dy by dx d e टू द पावर x साइन 5x by dx, u इंटू वी यहां लग गया, तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू साइन 5x इंटू डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर x आगे आ गया d साइन 5x, तो 5x का डिफ्रेंसिएशन तो हमारा x के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, यहां चाहिए 5x, तो d 5x by dx, तो y dash is equal to e to the power x का differentiation e to the power x sin 5x e to the power x
साइन 5x का हो गया कॉस 5x, और 5x का हो गया है इंटू 5, ई टू द पावर एक्स कॉमन, और ये पार्ट आगे लिख लेते हैं तो हो गया 5 cos 5x प्लस sin 5x। अब अगेन डिफ्रेंसिएटिंग, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट किए तो हमारा हो गया डी वाई डैश बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स 5 cos 5x sin 5x बाई डी एक्स। तो डी वाई डैश बाई डी एक्स हमारा हो जाता है वाई डबल डैश। अब यहां पर हमारा लग जाएगा यू इन टू वी, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, वी है, तो ये आगे आ गया 5 cos 5x प्लस sin 5x इंटू, अब डी ई टू द पावर एक्स, ये हमारा कैसा फॉर्म है, यू इंटू वी का, तो वी आगे, वी हमारा आगे, और डी यू बाई डी एक्स प्लस अब ई टू द पावर एक्स आगे, डी 5 cos 5x प्लस sin 5x। बाई डी एक्स तो वाई डबल डैश हमारा ये पार्ट कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सेम टू सेम हमने लिखना है, तो कॉस 5x प्लस sin 5x इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। अब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट पार्ट है, आगे आ गया कॉस 5x का अगर हम करेंगे तो माइनस sin 5x इंटू 5, 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस कॉस 5 sin 5x का कॉस 5x इंटू 5, ई टू द पावर एक्स दोनों में सेम है, कॉमन निकल गया। अब यहां पर बचा 5 cos 5x प्लस sin 5x माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x। वाई डबल डैश हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स, अब ये दोनों हमारा ऐड हो गया तो हो गया 10 cos 5x, और ये दोनों से आ गया -24 sin 5x। आंसर। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का डबल डिफ्रेंसिएशन से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑब्टेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ई टू द पावर 6x कॉस 3x है, तो पैटर्न क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो लेट कर लिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x, तो डिफ्रेंसिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x बाई डी एक्स। ये हमारा फॉर्म क्या है, u इंटू वी का। तो सिंस डी यू इंटू वी बाई डी एक्स क्या हो जाता है, v आगे डी यू बाई डी एक्स प्लस u आगे डी वी बाई डी एक्स। तो इस पैटर्न पर इसको लिखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया y डैश cos 3x आगे d e टू द पावर 6x बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर 6x d cos 3x बाई डी एक्स। तो y डैश हमारा आ गया cos 3x। अब अगर हम लोग इसका देखें तो e टू द पावर 6x का 6x के रिस्पेक्ट में होगा, तो आ जाएगा e टू द पावर 6x इंटू 6 प्लस e टू द पावर 6x इंटू cos 3x का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। तो y डैश हमारा हो गया e टू द पावर 6x कॉमन, तो बचा यहां पर 6 cos 3x, 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा d y डैश बाई डी एक्स डी ई टू द पावर 6x इंटू 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। अब यहां पर हमारा अगेन u इंटू वी का फॉर्म लगेगा, तो डी वाई डैश बाई डी एक्स हमारा हो गया वाई डबल डैश, यू इन टू वी लगा तो ये पार्ट वी है, आगे आ गया 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू यानी कि डी ई टू द पावर 6x बाई डी, तो 6x का यहाँ 6x के रिस्पेक्ट में, डी 6x का dx के रिस्पेक्ट में। अब e टू द पावर 6x, अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है तो हमारा आ गया 6 d cos 3x बाई dx माइनस 3 आगे d sin 3x बाई डी एक्स। तो y डबल डैश ये पार्ट का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, तो 6 cos 3x माइनस 3 sin 3x। इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अगर करें तो क्या आएगा, e टू द पावर 6x का डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर 6x, 6x का 6 प्लस e टू द पावर 6x। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करना है, 6 का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, सेम टू सेम, cos x का माइनस sin x तो sin 3x और 3x का 3 माइनस 3 sin 3x का
कॉस 3x और 3x का 3, इस तरह आ गया वाई डबल डैश 6 कॉस 3x माइनस 3 साइन 3x इंटू 6 इंटू ई टू द पावर 6x प्लस ई टू द पावर 6x। अब यहाँ पर हमारा 18 माइनस 18 साइन 3x माइनस 9 कॉस 3x, ई टू द पावर 6x कॉमन निकाल लिए, ई टू द पावर 6x कॉमन तो आया क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 36 कॉस 3x, 3 × 6 18 साइन 3x माइनस 18 साइन 3x माइनस 9 कॉस 3x, तो ई टू द पावर 6x ये और ये मिलकर हो गया 27 कॉस 3x और ये दोनों मिलकर हो गया माइनस 36 साइन 3x वाई डबल डैश आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है टेन इनवर्स एक्स, तो लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमें टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, देन अगेन जो आएगा उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो ये हमारा हो गया वाई डैश, ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पार्ट का फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डैश बाई डी एक्स, डी अब इस पार्ट को अगर हम लोग देखें तो 1 + x² - 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा 1 + x² डी 1 + x² बाई डी एक्स, तो आ गया y डबल डैश। अब यहां पर हमारा कौन सा रूल x टू द पावर n का, तो -1/1 + x² 2। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अगर देखें तो 1 का हो गया 0 और x स्क्वायर का हो गया 2x, तो y डबल डैश हमारा आ गया -2x/1 + x² 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 लेट कर लिए, वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स,
डी लॉग लॉग एक्स। तो अब यहाँ जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, यहाँ चेन रूल लगेगा। तो डी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो ये हो गया वाई डैश। अब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इस लॉग के वजह से 1/ हो गया। तो 1/, अब एक्स की जगह पे लॉग एक्स है तो यहां लिख दिए लॉग एक्स इंटू, अब लॉग के वजह से 1/, और यहां जो पार्ट है वो लिख दिए। तो हमारा आ गया वाई डैश इज इक्वल टू 1/ एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहां से अगेन डिफ्रेंसिएट करना है, तो अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या मिलेगा, डी वाई डैश बाई डी एक्स डी। अब इस पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको कर लेंगे हम एक्स इंटू लॉग एक्स टू द पावर -1। तो इसका डिफरेंशिएशन पावर का अगर हमको करना हुआ तो आ जाएगा डी एक्स लॉग एक्स। अब डी एक्स लॉग एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारा जो है यहां पर एक्स टू द पावर एन का फॉर्म बना, तो ये जो बेस था वो नीचे लिख दिए, यहां जैसे ही लिखे तो वो चीज यहां लिखना है। यहां पर हमारा एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ यू इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आ गया वाई डबल डैश। अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, -1 आ गए, एक्स लॉग एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, -1 -1 -2। अब यहाँ पर हमारा लग गया यू इंटू वी, तो यू इंटू वी में हम लोग जानते हैं वी आ गए, लॉग एक्स आ गए, तो डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स आगे डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग एक्स आया, डी एक्स बाई डी एक्स 1, एक्स इंटू लॉग एक्स का 1/x। तो आ गया वाई डबल डैश इज इक्वल टू -, अब ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां से आ गया 1 प्लस लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा है साइन लॉग एक्स, अभी था क्वेश्चन नंबर 9 में एक लॉग लॉग एक्स, तो यहां पर लॉग की जगह साइन आ गया। तरीका वही रहेगा, बस सावधानी से बनाना है। लेट कर लिए वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट किए तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो गया वाई डैश। अब यहां पर हमारा लग जाएगा चेन रूल, तो डी साइन लॉग एक्स डी, अब एक्स रहता है तो एक्स लिखते हैं, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखेंगे, डी लॉग एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई डैश इज इक्वल टू, अब साइन का होता है कॉस
और जो एक्स रहेगा वो सेम टू सेम इंटू लॉग एक्स का वन बाई एक्स। तो वाई डैश हमारा हो गया कॉस लॉग एक्स आई एक्स, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो जरूरी नहीं है कि आप जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक करके गए और वहाँ ही तक आए। इस क्वेश्चन में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अब यहाँ के बाद फिर चलेगा। तो अगेन अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ गया डी वाई डैश बाई डी एक्स। अब इस पार्ट का u इंटू वी का फॉर्म आ गया है u बाई वी, तो d cos log x by x by dx। तो ये हो गया y डबल डैश अप्लाइंग u बाई वी रूल। तो u बाई वी रूल क्या था, पहले वी स्क्वायर, वी स्क्वायर में हो गया हमारा x, तो एक्स स्क्वायर, फिर v दैट इज x डिफ्रेंसिएशन ऑफ u cos log x, तो यहाँ पे लग गया चेन रूल d log x d log x by dx माइनस u आगे cos log x d x by dx v का डिफ्रेंसिएशन। तो y डबल डैश आ गया हमारा यहाँ कुछ नहीं, तो x यहाँ पर हो गया cos log x, तो cos का हो जाता है माइनस साइन log x, log x का वन बाई एक्स माइनस cos log x इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स एलसीएम ले लिए तो हमारा x यहाँ पर कट गया, एलसीएम नहीं आएगा, x कट गया। तो y डबल डैश इज इक्वल टू, अब ये पार्ट हो गया माइनस साइन log x और ये पार्ट हो गया माइनस cos log x by x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का।